लो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फेसबुक अकाउंट को स्टाइलिश कैसे बनाए, ठीक है? उसमें स्टाइलिश वर्क्स, बायो और भी दो तीन चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये पास में बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन पे कर लेना, जिससे आपको ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले, ठीक है? और जिन भाई ने हमारी ओल्ड वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, ठीक है? न्यू सिंबल्स है, ठीक है? और यार, वीडियो के नीचे कमेंट जरा जरूर करा करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दिया करो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? आपको अगर कुछ समझ नहीं आता या कुछ प्रॉब्लम आती किसी भी चीज़ की तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? वरना मेरे को पता कैसे चलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो जैसे कि हम आगे चलते हैं वीडियो को लेकर, मैं आपको कुछ ऐसे दिखा देता हूँ। पहले मैं अपनी फेसबुक लाइट ओपन करता हूँ। तो देखो, जैसे कि गाइस, यहाँ पे ये अकाउंट है, मेरा ये अकाउंट है। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये सर्च कर लेना, आ जाएगी। तो यहाँ पे आप बायो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और ये देख सकते हो आपने वर्क में मैंने इमोजीज ऐड कर रखे हैं, ठीक है? अभी भी बहुत लोग हैं जिनको इमोजीज ऐड करना नहीं आता है, ठीक है? ये उनके लिए वीडियो है, जिनको आता है तो वो प्लीज़ मत देखो या फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? और ये आप ये देख सकते हो स्टाइलिश वर्क्स, यहाँ पे देख सकते हो आप फॉन्ट इसके, ठीक है? तो ये लोग ढूंढते हैं ऐसे साइड पे या हर जगह ऐसे फॉन्ट, लेकिन ये फॉन्ट मिलते नहीं है, ठीक है? तो लेकिन आज इस वीडियो में मैंने आपको इतने सारे फॉन्ट्स दूंगा जिससे आप उसे वर्क में ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, वो वाला जिसको मेरे को ऐसा करना है स्टाइलिश में, ठीक है? तो आपका ध्यान रहे, आपको वो अकाउंट ऑफिशियल फेसबुक में लॉगिन करना है जिसको आपको स्टाइलिश बनाना है, ठीक है? तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑफिशियल फेसबुक ओपन कर लिया अपनी। आपको भी अपना अकाउंट अगर कहीं और लॉगिन है तो ऑफिशियल फेसबुक में लॉगिन करना है, ठीक है? और उसके बाद हम प्रोफाइल दिखा देते हैं इसकी। तो देख सकते हो यहाँ पे आप अकाउंट बिल्कुल सिंपल लग रहा है, ठीक है? देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और ठीक है। तो आज से हम स्टाइलिश करेंगे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ सिंबल्स दूंगा, ठीक है? वो आपको ऐड करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहीं कहीं ऐड करा था, तो जैसे कि शायद ये है, ठीक है? तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बायो है, यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो, ठीक है? और ये इतने सारे फॉन्ट्स हैं, मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है? एक एक करके आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले बात आती है बायो की, तो हम बायो ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे कि गाइस, यहाँ पे हम बायो ऐड कर लेते हैं, आपको इसे कॉपी कर लेना है बायो को। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एडिट पब्लिक डिटेल्स का, ठीक है? तो आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद देखो यहाँ पे बायो का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऐड लिखा रहा है आपके सामने, तो ऐड पे करना है, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? और ध्यान रहे, आपको स्ट्रेंजर लिखना, स्ट्रेंजर मत लिखना, स्ट्रेंजर मैंने अपना नेम दे रखा, ठीक है? तो आप स्ट्रेंजर की जगह अपना नेम लिखना, आपका नाम जो भी है, गगन, संजय, जो भी है, ठीक है? डिपेंड करता है जो भी आपका नेम है, तो ठीक है। यहाँ पे आप उसके बाद पेस्ट करने के बाद सेव कर लेना, ठीक है? तो ये गाइस देख सकते हो हमारी बायो सेव हो चुकी है, ठीक है? तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी बायो सेव होगी, कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है? तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पब्लिक डिटेल्स पे, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, तो हमने बायो तो लगा दी यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, और उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, ठीक है? तो देख सकते हो यहाँ पे वर्क लिखा रहा है आपके सामने, देख सकते हो आप, फर्स्ट पे आएगा वर्क। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड वर्क का ऑप्शन आएगा, ऐड वर्क पे क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद जो मैं आपको फॉन्ट दूंगा डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ। तो गाइस, आपको इतने सारे फॉन्ट्स दूंगा मैं, इतने सारे वर्क स्टाइलिश, ठीक है? तो आपको जो अच्छा लगे वो ऐड कर लेना। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आध लगा सब लगा के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? और इसमें एक दो फॉन्ट एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है? वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये मत सोचना, ठीक है, कि सब होंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने इसे जैसे ही फर्स्ट वाले को पेस्ट कराया यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट पे ही आ गया एक पेज, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको, उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा आपके पास नीचे, ठीक है? ये देख सकते हो सेव, तो आपको सेव कर देना है, ठीक है? तो ये हमारा सेव हो रहा है। तो देखो भाई, यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस कर देना है, सबमिट नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे क्रॉस कर देना है, ध्यान रहे, वरना ये आपका पोस्ट हो जाएगा, आपको पोस्ट नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस करना है, ठीक है? तो देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। तो देखो, जैसे उसके बाद ये वाला है, ठीक है? तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं फुल को, और उसके बाद वापस यहाँ पे आके ऐड वर्क पर क्लिक करते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हम पेस्ट कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे तीन पेज आएंगे आपके पास, स्टाइलिश वाले तीनों, ठीक है?
तो गाइस जैसे कि यहाँ पे हमने सर्च जो करा है उसके, ठीक है गाइस यहाँ पे आपके सामने तीन ये आएंगे, तो आपका जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सेकंड वाला सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो कि प्यारा लग रहा है, तो उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो आप चाहो तो तीनों भी लगा सकते हो एक एक करके, ठीक है, आपका जैसा आपका मन करे। यहाँ पर आपको फिर से क्रॉस करना है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी दो लगाए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो ऐड कर चुका हूँ, तो मैं आपको सब ऐड करके दिखाऊंगा वीडियो में, टेंशन नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर से आपको एडिट पे आ जाना है, उसके बाद ऐड वर्क पे आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो उसके बाद नेक्स्ट ये है, ये फेसबुक कमीनों का मेला, इनका बाप मैं खेला, ठीक है। तो जैसे कि आप हम इसे पेस्ट कर देते हैं, तो देखो गाइस जैसे कि यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे आ चुका है अपने आप, ठीक है। तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा, वेट करते हैं हम जब तक होता है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारा ये भी सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये हम हटा लेते हैं सिंपल। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने तीन ऐड कर दिए अभी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने अभी आपको तीन ऐड करके दिखा दिए, तो मैं वीडियो पॉज करके सारे ऐड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है। तो मैं एक बार सारे ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो इतने सारे ऐड कर लिए, ठीक है, वीडियो पॉज करने के बाद मैंने आपको बता दिया था वीडियो में पहले कैसे ऐड करने, ठीक है। नहीं देखे तो आप वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देख लेना। तो हम इसे बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाइस आपके सामने मैंने बायो लगाई थी पहले, ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने स्टाइलिश फॉन्ट्स वाले वर्क लगा लिए, जिससे आपका अकाउंट बहुत सही लगेगा देखने में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल फेसबुक में सही नहीं लग रहा थोड़ा, तो लाइट में दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो देखो गाइस जैसे ये अकाउंट है भाई, यहाँ पर आप बायो देखो कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हो आप वर्क देख लो आप कितने प्यारा लग रहा है, ठीक है। और ये मैंने कुछ भी ऐड नहीं करे, ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ 10-12 ऐड करें, और मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो कम से कम 20-30 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने सारे, आप सारे ऐड कर लेना, ठीक है, सारे ऐड कर लेना, आपको अकाउंट आपका बहुत सही लगेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी एसएस देता हूँ आपको, ठीक है, एसएस दिखाता हूँ मतलब कुछ। तो गाइस एसएस हम बाद में दिखाएंगे, अब बात आती है कि हम वर्क में इमोजीज कैसे ऐड करें अपनी प्रोफाइल पर। तो जैसे कि यहाँ पे एडिट पब्लिक डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और उसके नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा। और ये देखो आपके सामने जैसे हमने पहले डिटेल्स पे एडिट पे करा था, ठीक है, इधर करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड वर्क का ऑप्शन आएगा आपके सामने, ठीक है, ऐड वर्क करना है आपको। और ये देखो यहाँ पे आपको जैसे हमने वहाँ पे पहले वर्क वो पेस्ट करे थे हमने स्टाइलिश वाले, लेकिन यहाँ पे हमें पेस्ट नहीं करना, हमें इमोजी ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो आपका मन कर रहा है इमोजी, जो आपका इमोजी लगाने का मन कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे मैंने ये इमोजी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप कोई भी लगा सकते हो जो आपका मन करे। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये वाला, उसका क्या करना है आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ भी फिल नहीं करना आपको, कुछ भी किसी में भी कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पे एक बस ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, लोकेशन ऑप्शनल लिखा रहा है, लेकिन आपको ये लोकेशन भरना है बस खाली। तो लोकेशन में आप कहीं का भी दे सकते हो, कहीं का भी। तो जैसे कि मैं अपना रियल दे रहा हूँ, तो आप भी रियल दे सकते हो, ठीक है, तो मैं कहीं का भी दे देता हूँ। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे आपको इमोजी लिखना है जो आपको लगाना है, और उसके बाद लोकेशन पे अपना कोई कहीं कहीं भी जगह का सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, तो उसके बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो रुक जाओ ये एरर आ गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपके सामने एरर आ गया था इमोजी ऐड करते हुए, तो एक बार हम फिर से करते हैं। तो यहाँ पे ऐड वर्क का ऑप्शन पे जाना है आपको, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इमोजी लगा देना जो आपको लगाना है, ठीक है। तो हम देख लो वही इमोजी लगा रहा हूँ फिर से जो अभी एरर आया था। तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, इसको ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ भी फिल नहीं करना, जैसे हमने लोकेशन फिल करी थी पहले तो एरर आ गया, आप कुछ भी फिल नहीं करना, डायरेक्ट आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है एरर परफॉर्मिंग क्वेरी, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है जो मैंने इतने सारे ये चीज़ ऐड कर लिए, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मैंने इतने सारे स्टाइलिश वर्क ऐड करे ना, तो इसकी वजह से ये मेरे फ्यूचर्स ब्लॉक हो चुके हैं कि आप वर्क नहीं ऐड कर सकते अब और, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना है, थोड़ा रुक रुक के इसमें रुक रुक के लगाना, जैसे 3-4 घंटे बाद और लगा लेना ऐसे, ठीक है, रुक रुक के। तो जैसे कि मैं आपको इमोजी ऐड करके तो दिखाना है मुझे, तो मैं किसी और आईडी पे ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लिया है, ठीक है, तो इसमें आपको वर्क ऐड वो इमोजी ऐड करके दिखाऊंगा मैं,
तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है। और जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने, एडिट पब्लिक डिटेल्स पे करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिट का डिटेल्स पे, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा एड वर्क का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो इमोजी लगाना है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दो बार बताया मैंने आपको, जो इमोजी लगाना है वो सिलेक्ट कर लेना है, समझ गए होगे आप, ठीक है। तो जैसे कि हम ये इमोजी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो मैंने इमोजी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है गाइज। आपको इमोजी सिलेक्ट करके सेव कर देना है। तो जैसे कि मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो लोडिंग हो रही है। तो देखो जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था, उसके फ्यूचर्स ब्लॉक हो गए कि आप वर्क ऐड नहीं कर सकते, आपने इतने सारे ऐड करे अभी, ठीक है। तो वो भी कुछ दिन में अनब्लॉक हो जाएगी, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं अगर आपके भी होता है। तो यहाँ पे वर्क ऐड हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्रॉस करना होता है तो क्रॉस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इमोजी ऐड हो चुका है। उसके बाद हम ऐड वर्क पे जाके और इमोजी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अब ये ऐड करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देते हैं, उसके बाद सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे ये भी ऐड हो चुका है हमारा। उसके बाद आपको क्रॉस कर देना है। तो आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो, बस आप थोड़ा टाइम ले लेके ऐड करना जिससे आपके फ्यूचर ब्लॉक ना हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर देते हैं। तो देखो भाई ये भी सेव हो गया। उसके बाद आपको क्रॉस करना है, तो मैं आपको जल्दी से ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इतने सारे इमोजी ऐड कर लिए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इमोजी लगाने के बाद आपको उस पर सिलेक्ट भी करना है जिससे ये सिलेक्ट हो जाए। देखो तो ये ब्लू हो गया, तो मतलब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम प्रोफाइल का लुक एक बार। तो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये प्रोफाइल लुक है हमारे अकाउंट की, तो अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने प्रोफाइल अनलॉक कर ली है, उसके बाद अब हम रिफ्रेश करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आप, मैंने कितने सारे इमोजी ऐड कर दिए यहाँ पे। तो देख सकते हो आप हमारे प्रोफाइल का लुक कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इसका लुक एक बार लाइट से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस जैसे कि मैंने अपना अकाउंट लाइट में लॉगिन कर लिया है, उसके बाद मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ इसकी, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस आपके सामने है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इतने सारे इमोजी ऐड कर दिए, ठीक है। तो होप सो आप समझ गए होगे सब, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टाइलिश वर्क कैसे ऐड करते हैं और इमोजीज कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होगे वीडियो में। अब आपको लास्ट टॉपिक, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, आपको ये इमोजीज ऐड करना सिखाया, और जैसे कि ये है तो ये मैंने आपको बायो दी वाली डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कॉपी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद बात ये देखो, ये आपको इतने सारे मैंने वर्क लगा के दिखाए, तो ये बहुत सारे हैं कम से कम, और इसमें तो मैंने अभी लगाए भी नहीं है कुछ, ठीक है। वो मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो लगाओ, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब बात आती है कि आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कैसे करोगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ यूट्यूब में आपको। तो गाइस जैसे कि चैनल पे आ गए हम, ठीक है। अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो आपने अब तक लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कॉपी करना है आपको डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद कर। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मेरे चैनल की वीडियो कल डाली है। तो आपको क्या करना है, इस पर ये देखो आपको यहाँ पे एरो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इधर। तो इस पर क्लिक करोगे आप, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि हम करते हैं और सर नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो जैसे कि आप मान लो बाय चांस आपको ये सिंबल कॉपी करना है, ठीक है। आपको मैं ये बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन से, आप ये बायो और ये सब चीज़ें कैसे कॉपी करें, ठीक है, वो वीडियो अभी उसके ये बता रहा हूँ। तो अभी हम फिलहाल सिंबल कॉपी करेंगे, आप उसी तरह से बायो कॉपी कर लेना और फोटो कॉपी कर लेना, ठीक है। तो आपको जिस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस वीडियो को शेयर करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे शेयर है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको रुको, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कॉपी लिंक का, ठीक है। तो आपको कॉपी लिंक कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना आपका, ठीक है, क्रोम, यूसी ब्राउज़र, कोई सा भी। तो यहाँ पे आप क्रोम ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फेसबुक ओपन है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लिखा हुआ है सर्च करना है, मतलब जो आपने लिंक कॉपी करा था उसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो आपने वो लिंक कॉपी करा उसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ध्यान रखो, ठीक है। वीडियो देख रहे हो तो देखते रहो। तो देखो गाइस जैसे कि यहाँ पे अब वीडियो ओपन हो चुकी है हमारी, वही वाली। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओपन हो गया। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये सिंबल कॉपी करना है, मान लो
तो आपको इसको सिलेक्ट करके रखना है, मतलब इस पर प्रेस करके रखना है, और उसके बाद आपको जितना कॉपी करना है उस पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा सिंबल कॉपी कर लिया है, अब आपको इसे कहीं सेव कर लेना, आपके नोट पैड कहीं पे भी, ठीक है, डिपेंड करता है आपको कहाँ आपका मन कर रहा है। तो देखो गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्क्रिप्शन कॉपी करके दिखा दिया है, वैसे मैंने वीडियो भी बना रखी है मैंने, लेकिन आप देखो या मत देखो मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया है। तो गाइस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।